हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्निजी प्रिया। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुनर हाट से किया हुआ शॉपिंग और उससे रिलेटेड हॉल। दो पार्ट मैंने उसके रिलीज कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो या आई सेक्शन में मिल जाएगा, या वीडियो को एंड तक जब देखेंगे तो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा उसका लिंक। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ हम बात करते हैं आज वहाँ से किया हुआ हुनर हाट खत्म हो चुका है, बट आप एक वर्चुअल टूर उसका ले सकते हो, बिकॉज अगर आप सब मिस हो गया है तो डोंट वरी, आप मेरे वीडियो में वहाँ का पूरा टूर देख सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले परचेज़ किया वहाँ पर सेरामिक के काफ़ी अच्छे आइटम्स लगे हुए थे, सो वहाँ से मैंने सबसे पहले परचेज़ किया है इस तरीके का। ये देखिए, छोटे छोटे से ये फ्लावर वासेज हैं, या फिर आप इनको सिंपली अपने घर में एज अ डिकोर पीस भी रख सकते हो मिनिएचर के तरीके से। ये देखिए, इस पर इस तरीके से डिज़ाइन है और ये सिंपल सा छोटा सा है, आप इसको टेबल पे भी रख सकते हो एक सिंगल फ्लावर के साथ, और इस तरीके से कलर्स में अवेलेबल है। और ऐसे मैंने सिर्फ इतने नहीं लिए हैं, एक मैंने ये लिया वाइट कलर में, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से है और बिल्कुल फाइन क्वालिटी का है। दूसरा मैंने लिया है ये देखिए इस शेप में है, ये बिल्कुल फाइन क्वालिटी का है। इस तरीके के वहाँ से मैंने वासेज लिए हैं जो मुझे बहुत ही प्यारे लगे, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे से पीसेस थे और ये मुझे वहाँ पर मिला है सिर्फ 100 रुपीज़ में तीन। ये देखिए, ये मटकी के शेप में, अगर आप इन सबको एज अ डिकोर पीस भी अपने घर पे रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। और इतना ही नहीं, अभी मेरे पास एक और है जी, इसका कलर मैंने यहाँ से लिया है, ये दोनों। और फ्रेंड्स, इसके साथ इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊं आपको, ये आपको किसी भी होम सेंटर में या ऑनलाइन भी आप चेक करोगे ना, जो फ्रेग्रेंस वाले स्टिक आते हैं ना, उसके साथ आपको ये देखने को मिल जाएगा। और अभी मैंने रिसेंटली होम सेंटर में विज़िट किया था, वहाँ पर मैंने देखा सेम पीस ये था इसके साथ, फ्रेग्रेंस के जो सेंट के जो बॉटल्स होते हैं छोटे छोटे वो थे, और जो बैम्बू स्टिक होते हैं 5-6 उसके साथ वो थे, और उसका कॉस्ट था 450। सो मैं देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गई कि ये चीज़ अभी मैं हुनर हाट से लेकर आई हूँ 100 रुपीज़ में तीन, लगभग 30 रुपीज़ का एक मुझे मिला है। तो सोचो, इस तरीके से बड़े बड़े जो ब्रांड होते हैं वो किस तरीके से पैसे अर्न करते हैं। तो ये चीज़ मैंने वहाँ से ली है, ये 5 मैंने वहाँ से ले लिया है, जो मुझे उन्होंने 160 में दे दिया था। मैंने अपने वीडियो में मेंशन भी किया है कि वहाँ पर जो बच्चों के खेलने के वुडन आइटम्स थे जो पहले के जनरेशन में चलते थे, वो आज के जनरेशन में भी इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और उससे रिलेटेड भी मैं कुछ चीज़ लेकर आई हूँ जो कि अपने बच्चे के लिए मैं लाई हूँ। तो ये है देखिए ज़ाइलोफोन, ये इस तरीके से साउंड करता है, और ये ज़ाइलोफोन मैंने वहाँ से लिया है 250 में। और इसके साथ इस तरीके का डबल स्टिक भी मिलता है ज़ाइलोफोन के साथ, ये मैंने वहाँ, और ये साथ में एक बेलन और चौकी का मैंने सेट लिया है छोटा सा, जो कि मुझे 50 रुपीज़ में मिला वहाँ पर। और ये एक ही शॉप से मैंने इतने सारे वुडन के आइटम्स लिए, बिकॉज मुझे ये बहुत ही अच्छे लगे थे, अपने बच्चे के लिए मैंने लिया। तो ये है बेलन एंड चौकी का सेट, आप देख सकते हो। ये स्टीमर है छोटा सा, जिसके अंदर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन है, और इसके अंदर एक छोटा सा कैंडल टाइप का होता है, दिया टाइप का होता है, उसे डालकर जलाते हैं। और ये बचपन में मैंने भी यूज़ किया, सो अपने बच्चे के लिए मैं लेकर आई हूँ, ये मुझे मिला है 50 रुपीज़ का। उसी शॉप से मैंने ये लिया है कुछ फ्रिज मैगनेट्स, ये देख सकते हैं आप, और ये बहुत ही प्यारा था, ये देखिए, ये 20 रुपीज़ का एक उन्होंने मुझे दिया। और इस तरीके से इसमें काफ़ी शेप्स और डिज़ाइंस थे, ये देखिए कैरेट है, ये फ्रॉग है, तो इस तरीके से मैंने लिया। ये वाटरमेलन का शेप है, और साथ में ये देखिए बनी का शेप है ये, और ये देखिए पाइनएप्पल है, और एक बनाना। तो उन्होंने मुझे 100 में ये दे दिए 6, तो 15 लगभग ईच पड़ा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट परचेज़ करते हो तो उसका कॉस्ट आई थिंक 200-250 रुपये में वो कुछ ऐसे देते हैं। 100 रुपीज़ में मुझे ये 6 पीसेज मिले हैं फ्रिज मैग्नेट्स के।
मैं फ्रेंड्स मैंने वहाँ से लिया इस तरीके से बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई 20 रुपीज़ में होता है और ये 6 पीसेस का सेट है। ये इसका मैं कुछ DIY करने वाली हूँ इसलिए मैंने इसको ले लिया। 20 रुपये में आजकल क्या ही मिलता है। तो ये रोड साइड पे मिल रहा था और इस तरीके से वहाँ पर ये मुझे मिला है 20 रुपीज़ का। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि मैं वहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली नहीं थी, बिकॉज़ उस दिन उनका जो प्राइस कोटिंग था ना वो जस्ट डबल ट्रिपल इस तरीके से था। सो आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ पर बेवजह के पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। ये देखिए छोटा सा मैंने वहाँ पर ये वेलकम का मिल रहा था फोम शीट पे, बहुत ही प्यारा सा चीज़ था। इसे मैं DIY में यूज़ करूँगी जब मैं अपना अपने घर का सेकेंड रूम मेक ओवर करूँगी, वहाँ पर मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ। और 20 रुपये में आई डोंट थिंक कि ये बहुत अच्छी सी चीज़ है। आप इसे जब अच्छे से इस्तेमाल करोगे तो अच्छा सा लगेगा। सो ये मैंने लिया 20 रुपीज़ का। हालांकि बहुत ही चीप थिंग है। और साथ में फ्रेंड्स मैंने वहाँ से लिए कि आइटम्स, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है और अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। ये देखिए स्वास्तिक का है ये, इसमें मिरर लगा हुआ है। ये छोटे छोटे से आइटम वहाँ पर मिल रहे थे। ये देखिए ओम है और इस तरीके से गणेश जी का है और इस पर सब पे पूरे पे डिज़ाइन बना हुआ है। ये बहुत ही कलरफुल है। ये देखिए कलश का शेप है। और एक और चीज़ मैंने ली है, ये है चरण पादुका। तो ये 10 रुपये का मिल रहा था, 10-10 रुपये के थे। तो ये मैंने इस तरीके से उनसे ले लिए 5 के सेट और इसको मैं अपने कहीं टेम्पल में यूज़ करूँगी, अपने मंदिर में, या फिर जब मैं उसका मेकओवर करूँगी तो मैं आपको उसका वीडियो शेयर करूँगी। वहाँ पर आप इसे देख सकते हो कि मैं इसे कैसे यूज़ करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये था कुछ आइटम। और लास्ट में मैंने लिया वहाँ से, जो शॉप पे मुझे रीज़नेबल प्राइस लगा था मैंने वहीं से चीज़ें परचेज़ की हैं। मैंने बेवजह के पैसे इन्वेस्ट नहीं किए, बिकॉज़ आप अगर मेरा वीडियो अभी तक नहीं देखे हो, देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा वहाँ पर प्राइसिंग जो है ना संडे के दिन में बहुत ही ज़्यादा हाई थी, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ से परचेज़ नहीं की। मैंने ली है ईयर रिंग जो वहाँ पर 150-150 के रेंज में थी और ये देख सकते हैं आप, ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में लगा। ये है एक सेट और इस तरीके से मैंने 3 लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये एक सेट लिया है मैंने वहाँ से। और मुझे इस तरीके की जंग ज्वेलरीज बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि वहाँ पर रीज़नेबल प्राइस था इसलिए मैंने ले लिया। ये 150 रुपीज़ का है और ये तीन मैंने वहाँ से लिए हैं। तीनों ही मुझे उन्होंने 150 का ही प्राइस लगाया। ये देखिए सो फ्रेंड्स इस तरीके से ये ज्वेलरी है और बिल्कुल फाइन क्वालिटी में है, कहीं से भी इसमें कोई, ये देखिए इसमें इस तरीके से यहाँ पर कुंदन जैसा लगा हुआ है और ये प्लेन पिकॉक शेप में है और ये इस तरीके से इसमें ये पिंक कलर का है, रानी कलर का है थोड़ा सा। तो ये 3 चीज़ें मैंने वहाँ से ली। तो ये था मेरा छोटा सा शॉपिंग हॉल जो कि वहाँ से था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।